बेटवा, बाबू जल्दी आ जाओ, खाना रेडी है। मैं आ गया जाना। आ गया ग्रैनी। बेटवा आज मैंने तेरा फेवरेट खाना बनाया है, चमगादड़ कटलेट। अरे वाह ग्रैनी, आई लव चमगादड़। अरे वाह, खुशबू तो जबरदस्त आ रही है। वाह ग्रैनी, क्या टेस्टी खाना बनाया है आपने। हाँ, इतनी मेहनत से जो बनाया है। पेट डगमगा गया। खाने का सारा मजा किरकिरा कर दिया बुढ़ाऊ ने। बुढ़ाऊ, तेरा खाना कम करना पड़ेगा। ओह नो। ग्रैनी, मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, थोड़ी वॉक करके आता हूँ। ठीक है जाकर आ। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। क्या बात है भैया जी, आज तो आपका मूड बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ मगरू भाई, ग्रैनी ने आज मेरा फेवरेट फूड जो बनाया था। वैसे आप कहाँ बिजी थे, दिख नहीं रहे थे। भैया जी, हम अपने बर्थडे गिफ्ट्स को अनपैक करने में बिजी चल रहा था। अरे वाह, उम्मीद है आपको मेरा दिया हुआ गिफ्ट भी पसंद आया होगा। भैया जी, आपका गिफ्ट तो हमारा सबसे फेवरेट गिफ्ट है। थैंक यू। यू वेलकम। चलो मगरू भाई, मैं चलता हूँ। ओके भैया जी, सी यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अरे तू वॉक करके आ गया? हाँ ग्रैनी। जा बिटवा, जाकर ट्रेन साफ कर दे, काफी दिनों से ट्रेन की सफाई नहीं हुई। ग्रैनी, आप मुझे थोड़ी देर चैन से बैठने तो दो। अरे कुछ देर का तो काम है, उसके बाद रेस्ट कर लियो। अच्छा ठीक है ग्रैनी, जाऊंगा नहीं ना तो ग्रैनी मेरा दिमाग खा जाएगी। अरे इतनी बड़ी ट्रेन है और इस नन्ही सी जान से ग्रैनी साफ करवा रही है। ऐसे नहीं कि इस बुढ़ो को भी थोड़े हाथ पैर हिलाने के लिए बोले। और रोबो ब्रो, सब ठीक चल रहा है ना? या ब्रो, ऑल गुड। क्या बोला? मेरा मतलब है चुचू चार्ल्स जी, आपने मुझे क्यों किडनैप किया है? मैं तो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बालक हूँ। मैंने आपको अंडा वापस कर दिया था ना, तो आपने मुझे क्यों किडनैप किया? और दो बाकी अंडों के लिए। दो अंडे और? मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास आपके कोई अंडे नहीं है। अबे मेरी झूठी कसम खा के मुझे मारना चाहता है के? मेरे मतलब है कसम से, मुझे और अंडों के बारे में कुछ नहीं पता। वो पहला नीला अंडा तुझे कहाँ पर मिला था? मैं छत पर सफाई कर रहा था, मुझे वहाँ पर वो अंडा मिला। कसम खा कर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो अंडा वहाँ पर कैसे आया, मुझे लगा ग्रोबरो लेकर आया है। अगर मुझे वो दोनों अंडे नहीं मिले तो मैं तुझे अभी के अभी खा जाऊंगा। अबे नौटंकी बंद कर, मुझे पता है वो दोनों अंडे तेरे ही पास है, अगर वो अंडे मुझे नहीं मिले तो तेरे साथ साथ बुढ़ा बुढ़िया को भी खा जाऊंगा। अरे इतनी देर हो गई, बेटवा कहाँ चला गया, अभी तक इसकी सफाई नहीं हुई। बेटवा बेटवा, अरे बेटवा तो यहाँ है ही नहीं। ग्रैनी जल्दी आओ। अरे रोबो बच्चे, तुझे क्या हो गया? बेटवा का किडनैप हो गया, बेटवा का किडनैप। लेकिन बेटवा को कौन किडनैप करके ले गया? अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ बेटवा। चुचू चार्ल्स जी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अपुन का इंजन तो कोयले से चलता है, कोयला खाएगा क्या? कोयला? अरे कोयला मैं कैसे खा सकता हूँ? क्या बोला? मेरा मतलब है चुचू चार्ल्स जी, कोयला मैं कैसे खा सकता हूँ, कुछ खाने वाली चीज दो ना प्लीज। अबे तुझे खाने को तभी मिलेगा जब तेरी ग्रैनी मुझे वो अंडे ला के देगी। चला फोन कर। ओह नो। ये रहा मेरा मोबाइल, अपनी ग्रैनी को फोन लगा और फोन लाउड स्पीकर पे रखने का।
हेलो ग्रैनी स्पीकिंग, सेम टू यू, थैंक यू। ग्रैनी प्लीज 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 मुझे बचा लो। बिठवा बिठवा तू कहाँ है? ग्रैनी मुझे चूचड़े ने किडनैप किया है। मेरा मतलब है ग्रैनी मुझे चूचू चार्ल्स ने किडनैप कर लिया है। अरे उस करमचले ने तुझे क्यों किडनैप किया है? ग्रैनी इसको लगता है कि इसके दो और अंडे हमारे पास पड़े हुए हैं। दो क्या, मैं उसको अंडे की पूरी क्रेट भेज दूंगी। रुक जा, अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। अबे फोन इधर दे। ए बुढ़िया, अपुन को मुर्गी के अंडे नहीं वैसा सेम अंडा चाहिए जैसे लास्ट टाइम अपुन तुम्हारे घर से लेकर गया था। अरे हमारे पास वैसा कोई अंडा नहीं है। चल ठीक है, ना तेरी ना मेरी, फिलहाल अपुन को वो लाल अंडा ही दे दे। अगर तूने चालाकी की तो अपुन तेरे बिटवा को कच्चा चबा जाएगा। नहीं प्लीज प्लीज मेरे बिटवा को कुछ मत करना, मैं वो अंडा ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ग्रैनी कैसे मेरी चूचू जी को वो लाल अंडा ढूंढ कर दो। बिटवा तू टेंशन मत ले, मैं वो अंडा खोज निकालूंगी। मुझे बचा लो ग्रैनी। अरे मैं वंडा कहाँ से लाऊं, वंडा तुम्हारे पास है ही नहीं। वही तो जाना, एक काम करते हैं चूचू के चरणों में जाकर लेट जाते हैं और उसे सच बता देते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई अंडा नहीं है। क्या पता वो तरस खा के बिटवा को छोड़ दे। कर बड़ो, वो हमारी बात पे विश्वास नहीं करेगा, हमें वो अंडा खोजना ही होगा वरना वो बिटवा के साथ साथ हमें भी खा जाएगा। तो बेबी तुम वो अंडा लाओगी कहाँ से? मैं बिटवा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं उस अंडे को खोज निकालूंगी। अरे हमारे पास तो वो लाल अंडा है ही नहीं, तो ग्रैनी वो अंडा ढूंढ कर कहाँ से लाएगी? एक्सक्यूज मी चूचू जी। हाँ बोल बे। वो क्या है ना, एक सिलेंडर दीदी है। तो क्या करूं, उसका अचार डालूं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ कि उनके पास ना मार्केट की सारी गॉसिप रहती है, तो क्या पता उनको पता हो कि आपका लाल अंडा किसके पास है। तो ठीक है, जल्दी से उसको फोन लगा। और कैसी हो सिलेंडर दीदी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे चुड़वा? किडनैप्ड हूँ। कहाँ बोला? मतलब पूछो मत दीदी कैसा हो। अच्छा दीदी ये सब छोड़ो, ये बताओ आपको किसी एक खास अंडे के बारे में पता है? खास अंडा? हाँ हाँ, मेरे पास बहुत सारे खास अंडे हैं। क्रोकोडाइल का अंडा है, ऑस्ट्रिच का अंडा है, यहाँ तक कि डायनासोर का अंडा भी है मेरे पास। ओ? अबे जिस काम के लिए फोन किया है उसके बारे में तो पूछ। दीदी मैं इन अंडों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक खास लाल चमकदार अंडे की बात कर रहा हूँ। खास लाल चमकदार अंडा? अरे ये किस प्राणी का अंडा है? ये अंडा ना चूचू चार्ल्स का है। का? तो फिर से उसी स्टोरी पे आ गया? मुझे चूचू चार्ल्स से बहुत डर लगता है। हेलो दीदी। ओके टेक केयर बाय। ये सिलेंडर दीदी भी ना किसी काम की नहीं है। क्या बात, लाल अंडे की कोई खबर मिली क्या? चूचू चार्ल्स जी, मार्केट में आपके अंडे के बारे में किसी को पता नहीं है, अगर पता होता ना तो सिलेंडर दीदी को सबसे पहले खबर होती। बस कल तक का वेट करूंगा, अगर कल अपुन को अपना अंडा मिला तो ठीक, वरना तू अपुन का डिनर बनेगा। ओह नो। बाबू बाबू मुझे अंडा मिल गया है। क्या बात है स्वीटी, तुमने तो कमाल कर दिया। ग्रैनी ग्रैनी कुछ करो, अपने बिटवा को बचाओ ग्रैनी। अबे तेरी ग्रैनी का फोन आया है, जल्दी उठा। हाँ ग्रैनी। बेटवा मुझे वंडा मिल गया है। क्या ग्रैनी आपको वंडा मिल चुका है? बेटवा मेरी चूचू से बात करवा। आ बोल बुढ़िया। चूचू चार्ल्स मुझे वो अंडा मिल गया है, अगर तुझे ये अंडा चाहिए तो मेरे घर आकर ले जा, और अगर मेरे बिटवा को खरोंच भी आई तो मैं तेरा ये अंडा फोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं, अंडे को कुछ नहीं करने का। ठीक है अब उन बिटवा को लेकर आ रहे लाए। तो ठीक है, मेरे बिटवा को जल्दी से लेकर इधर आ। ओके आई एम कमिंग। मुझे पता था ग्रैनी आप अपने बिटवा को जरूर बचाओगी। ओके सी यू, टेक केयर, बाय बाय। चल चूचू, मतलब चलो चूचू जी। ग्रैनी ग्रैनी। बिटवा बिटवा तो ठीक है ना? हाँ ग्रैनी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ले चूचू चार्ल्स तेरा अंडा।
वाह बुढ़िया, तूने तो कमाल कर दिया। देख ले, ये वही अंडा है ना जो तुझे चाहिए था। यप, ये वही अंडा है जो मुझे चाहिए था। अपना अंडा ले और दफा जा यहाँ से। आइंदा कभी मेरे बिटवा को तंग किया ना तो मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। ठीक है फिलहाल अपुन जा रहा है, लेकिन अपुन से जरा बच के रहना। बिटवा ने तुझे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, खाना पानी भी नहीं दिया। कोई बात नहीं बिटवा, अब तू सही सलामत घर आ गया है ना, अब मैं तुझे तेरी पसंद का खाना खिलाऊंगी। अरे वाह, अब उनको बिना मेहनत किए ही लाल अंडा मिल गया, अब बस हरे अंडे की तलाश है। वैसे ये सब छोड़ो ग्रैनी, ये बताओ कि अंडा आपको मिला कहाँ से? बिटवा वो असली नहीं नकली अंडा था। अरे ये क्या? Oh, no. इसका मतलब उस बुढ़िया ने अपुन को नकली अंडा देकर बेफ को बनाया। अपुन उन सबको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो हुआ यूं कि जो तूने इसका पिछली बार अंडा लौटाया था ना, वो मुझे याद था तो मैंने उसे मिलता जुलता नकली अंडा बना दिया और उसे थमा दिया और इस बेवकूफ को कुछ पता भी नहीं चला। अरे ग्रैनी आपने क्या किया, उसको पता चल जाएगा कि एक नकली अंडा है, वो पापा से आकर हमको खा जाएगा। आ जाना, अब हमारा क्या होगा? बेटवा वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके आने से पहले ही हम पुराने घर चले जाएंगे। हाँ ग्रैनी चलो। ये अच्छा आइडिया है। वैसे ग्रैनी आज आपने दिखा दिया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। हाँ बिटवा, तेरे ग्रैंडपा को भी तेरी बहुत फिक्र थी। हमारा बिटवा हमारे लिए इतना सब जो करता है तो मुझे तो फिक्र होनी ही थी। लव यू ग्रैनी, लव यू ग्रैंडपा, लव यू टू बिटवा। हाय गाइस, तो फटाफट से मोहक मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको फिर से चूचू चाल से मिलकर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीत।